500 साल पहले इटली के जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। मोनालिसा, आखिर क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया के सबसे फेमस और रहस्यमय बनाते हैं? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आप मोनालिसा से जुड़े ऐसे बातें जानोगे जिससे आप हैरानी में पड़ जाओगे। नंबर एक, मोनालिसा की जो सबसे रहस्यमय बात है वह है उसकी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब ये बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराते हुए नजर आती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर दो, मोनालिसा के हाव भाव के अलावा उसकी पहचान भी आज तक रहस्यमय बनी हुई है। आखिर कौन थी मोनालिसा? दा विंची ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी? कईयों का मानना है कि मोनालिसा की यह पेंटिंग लिसा गिरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस के एक इटालियन औरत थी। तो वहीं कई जानकार कहते हैं कि मोनालिसा कोई औरत थी ही नहीं, बल्कि यह लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई खुद की तस्वीर है। नंबर तीन, कहा जाता है कि दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया और 1517 तक इस पर काम करते रहे। दा विंची को सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगे थे। इसके होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। कहा जाता है कि दा विंची एक ही समय पर अपने दोनों हाथों से अलग अलग काम कर सकते थे। नंबर चार, मोनालिसा के तरह ही यह पेंटिंग लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने बनाया था, जिसे मोना वेना कहते हैं। इसे 1514 से 1516 के बीच बनाया गया था। इसके शरीर की स्थिति लगभग लियोनार्डो की मोनालिसा के समान है। विशेषज्ञों का कहना है यह न्यूड मोनालिसा हो सकता है। अभी यह पेरिस के कॉन्डे म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर पाँच, अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखिएगा तो आपको मोनालिसा के एब्रो नहीं दिखाई देगी। 2007 में एक इंजीनियर ने पेंटिंग को दिखाने के लिए उच्च रेजोल्यूशन स्कैन का उपयोग किया तो पता चला कि मोनालिसा के पहले से एब्रो थे, लेकिन ओवर क्लीनिंग के कारण धीरे धीरे समय के साथ गायब हो गए। नंबर छः, यह पेंटिंग तब फेमस हुई जब इसे साल 1911 में पेरिस के लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया। चोरी हो जाने के बाद जिसे शक के घेरे में लिया गया वह थे पाब्लो पिकासो, जिसे शक के घेरे में लिया गया तो पता चला म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पिरोगिया ने इसे चुराया था। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई। नंबर सात, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई। साल 1956 में एक बोलेवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा के पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा निशान आ गया था। फिर बाद में इसे रीस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी दिखते हैं। इससे पहले एक व्यक्ति इस पर एसिड फेंका था। मोनालिसा के सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया। नंबर आठ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा को इसके अपनी जगह से 6 बार बदला गया ताकि बेस कीमती और सुंदर पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ न चली जाए। नंबर नौ, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी अधिक लेयर का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर तो इंसान के बालों से भी पतली थी। नंबर 10,
इसका साइज 30x21 inches है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया था, बल्कि इसे पॉपलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। दा विंची के समय में कैनवास और पेपर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटे पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। नंबर 11, मोनालिसा को इंग्लिश में मोना लिजा लिखा जाता है, जो इटालियन भाषा में इसका मतलब माय लेडी होता है। नंबर 12, नेपोलियन को यह पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मोनालिसा को अपने बेडरूम की दीवार पर लटका दिया था। नंबर 13, मोनालिसा दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान चित्रों में से एक है। 1962 में इसकी कीमत $100 million थी। अगर अभी की बात करें तो अभी इसकी कीमत करीब $700 million के बराबर है, लेकिन इसे बेची या खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि यह पेंटिंग सबके लिए है। नंबर 14, पैरानॉर्मल क्रोसिबल वेबसाइट ने ये दावा किया कि मोनालिसा के पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। तो वही एक थ्योरी और सामने आती है, जिसमें यह दावा किया गया कि पेंटिंग के लेफ्ट साइड में दा विंची ने एक सीक्रेट मैसेज छिपा रखा है। इसके अनुसार पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया ला रिस्पोस्टा सी त्रोवा की, इसका मतलब है द आंसर इज हेयर, यानी उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता, और मैं इसका दावा भी नहीं करता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।